वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। जो बाइडन का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस होने वाली अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। IMF से इंतहाई सख्त मुआहदा किया। कर्जों में रिलीफ दे वरना पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू। अमीर मुमालिक से कर्जों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील कर दी। मकबूजा कश्मीर पर मुज़ाकरात की शर्त पर भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अगर हमने इससे निकलना है जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है, कर्जे ले लेके वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह कहता है जी देखे मैं मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया, तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं लेकिन सिर्फ आज़ाद कौमें ऊपर जाती हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सियासत नहीं जद्दोजहद की जाती है। अगर हम मुल्क में इंसाफ ले आए तो यह हकीकी मुल्क बन जाएगा। और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी की राह हमवार। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा के दायमी वारंट गिरफ्तारी मौतल कर दिए, सरेंडर का मौका दे दिया। पाकिस्तान वापसी पर कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। वारंट की मनसूखी का मामला इसहाक डार की वापसी पर देखेंगे। इसहाक डार रवा माह वतन वापस आएंगे। तारीख क्या होगी इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे।